हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज और 3.5 के सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि 3.5 के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारी बुक के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारे पास जो पेयर दिए हुए हैं दो क्वेश्चन के, इन पेयर में हमें ये देखना है कि ये यूनिक सोल्यूशन है या फिर नो सोल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। इन केसेस में अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसको हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। देखिए, अगर हम बात करें यूनिक सोल्यूशन की तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस के बारे में भी हमने बात करी, जब लाइन लाइन बिल्कुल ओवरलैपिंग होती है वहां पे मेनी सोल्यूशंस होते हैं। और नो सोल्यूशन क्या होता है, जब लाइन हमारी पैरेलल होती है तो नो सोल्यूशन होता है। इसके बारे में हमने कॉन्सेप्ट की वीडियोस में काफी अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो चलिए इन चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये होता है हमारा a1, ये होता है a2, ये होता है b1, ये होता है b2, ये होता है c1, ये होता है c2, राइट। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें क्या मिल रहा है, A1 की वैल्यू यहां से 1 मिल रही है, A2 की वैल्यू 3 मिल रही है, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -9। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1/3 मिला। देखिए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, यानी A1 अपॉन जो A2 है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल है। इसी तरीके से C1 अपॉन C2 को देखें तो यहाँ पे 3/2 मिल रहा है, क्योंकि -3 और यहाँ पे -2 है, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस चीज को बताती है, ये कंडीशन बताती है जब हमारी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी कि जब ये जो कंडीशन है ये बताती है पैरेलल है एक दूसरे के, जो कि इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में क्या होता है, तीनों ही चीजें इक्वल होती हैं। और यूनिक सोल्यूशन में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, 2x + y = 5 दिया हुआ। और यहाँ पे देखिए, ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, कंपेयर करते हैं। देखिए, यहां से a1 की वैल्यू मिली, यहां से a2 की वैल्यू मिली, यहां से b1 की, यहां से b2 की, यहां से c1 की और c2 की। तो ये देखिए, अगर इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 5 होगा और ये माइनस का 8 होगा, तो 2/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, और ये -5/8, ये हो गया 5/8। देखिए, अगर इन दोनों को हम देखें तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक यूनिक पॉइंट पे, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका जो सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करते हैं, काफी सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को यूज करना। देखिए, ये फॉर्मूला होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, b1 c2 b2 c1, फिर c1 a2 c2 a1, 12 21 12 21 12 21, इस तरीके से याद कर सकते हैं, bc ca ab, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए, इसको याद रखने का फॉर्मूले का एक सिंपल सा तरीका बताऊं मैं आपको। देखिए, ये हो गया आपका, मान लीजिए a, और ये हो गया आपका b, और ये हो गया आपका c। बी से स्टार्ट करेंगे तो बीसी होगा, राइट। यहां पे बीसी दिख रहा है, यहां भी बीसी दिख रहा है, और सी से ए में जाएंगे, फिर सी ए हो गया, फिर ए बी से आएंगे। अब आपको करना क्या है, 12 21 12 21 12 21, यानी कि 12 21 12 21, और बीच में माइनस लग जाता है। बीसी और बीसी रखिए, यहां पे रखिए 12 21, और ये फिर माइनस, ये देखिए b1 c2 - b2 c1, ये एक्स आ गया आपका, इस तरीके से वाई भी, और 1/, ये हो गया आपका। अब इसमें वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए ध्यान से, जो b1 की वैल्यू थी उसको पिट किया है, जो b2 की वैल्यू थी, c1 c2 a1 a2 b1 b2 सबकी वैल्यू पुट किया हमने, तो हमें ये मिला x/2 = y/1 = 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल रखेंगे, y अपॉन 1 को भी 1 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ गई 1। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
इस तरीके से एक्स एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर अगर आप देखें दो यहाँ पे पेयर्स दिए हुए हैं, और इन पेयर्स में बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि ए वन ए टू की वैल्यू हमें दी हुई है 3/6, बी वन बी टू की 5/10, यानी कि 1/2 हो गया कैंसिल आउट करने पे, और ये माइनस का 20, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों ही इक्वल हैं, इसके तो इनफाइनाइट मिनिशियलेशन होंगे, ये लाइन ओवरलैप करेगी, इसको हम कहते हैं कॉन्सिडेंट लाइन्स, इसके इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस होंगे, तो इसे हमें सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें केवल यूनिक वैल्यू को ही सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन है, ए वन ए टू, बी वन बी टू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे 1/3 होगा, बी वन अपॉन बी टू ये 1 हो गया, राइट। अब सी वन अपॉन सी टू देखेंगे, 7/15 हो गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, राइट। ये ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यूनिक पॉइंट होगा, और इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और मैंने फॉर्मूला आपको बताया, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, फिर सी टू सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, और फिर ए वन ए टू माइनस ए टू बी वन, ये इसका फॉर्मूला है। वैल्यूज हम पुट करेंगे, एक्स अपॉन 24 होगा, वाई अपॉन -6 होगा, 1/6। अब एक्स अपॉन 24 को रखेंगे 1/6 के इक्वल, फिर वाई अपॉन -6 में रखेंगे 1/6 के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ से, तो 6 4 24 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 4, और यहाँ से करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि 6 में 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6, और 6 1 जा 6। इस तरीके से एक्स की वैल्यू 4 आएगी और वाई की वैल्यू 1 आएगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में बात करते हैं, जहां पे आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है और ये सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे ए माइनस बी के टर्म में दी हुई है सारी की सारी चीजें। अगर ए माइनस बी के टर्म में दी हुई है तो आप इजिली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज की ए की वैल्यू 2 है और ए 2 की वैल्यू ए माइनस बी है, यहाँ पे बी टू की वैल्यू ए प्लस बी है, यहाँ पे सी टू की वैल्यू -3 + b - 2 इस तरीके से दिया हुआ है, 7/ ये वैल्यू आ गई c1/c2 की, b1/b2 और a1/a2, ये है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो तीनों ही इक्वल होंगे, अगर तीनों इक्वल हैं तो हम 2/ab के इक्वल में रख देंगे, 7/3a + b - 2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2b, और 2 2 जा 4 -4, और इसका कर देंगे 7a - 7b। अब इस तरीके से यहां से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, a - 9b = -4, जब हम a की वैल्यू को इस तरफ लाएंगे तो 7 - 6 हो जाएगा a, और ये 7b में से माइनस का 2b इधर आएगा तो माइनस का 9b हो जाएगा, और माइनस का 4 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, एक इक्वेशन ये मिली। अब इसी तरीके से y की वैल्यू को पुट करके एक और इक्वेशन हम यहाँ पे रख लेंगे, राइट। जब हम y की वैल्यू से देखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, जब हम रखेंगे तो ये देखिए 3a - 3b, और ये 2a + 2b, ये हो जाएगा हमारा a - 5b = 0। अब हम a और b जो हमारा इक्वेशन था उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4b - 4। अब ये कैसे आया, ध्यान से समझिए आप इस चीज को, कि अगर एक जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो क्या है, a - 5b = 0, राइट। इसी तरीके से अगर हम अपने फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, a - 9b = -4, a - 9b = -4 दिया हुआ है, a यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a - 9b = 4, a - 9b = 4 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है a - 9b = -4, माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, कैंसिल आउट हो गया, 9 में से 5 गए तो 4b बचा = 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 4/4 यानी कि 1 आ गई, तो ये b की वैल्यू 1 इस तरीके से आई है आपके पास। अब b की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, आप चाहें तो इसमें पुट कर सकते हैं, अगर b की वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू 5, राइट। a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5, देखिए यहां से ए की वैल्यू 5 मिल गई, ये 5 इस तरफ चला जाएगा इक्वल टू के, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 1 है, इस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर वैल्यूज के लिए आपको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू जब नो सोल्यूशन हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नो सोल्यूशन कब होता है। नो सोल्यूशन कब होता है, देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली A2 की, B1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1 और B2 की K-1, C1 की -1 और यहाँ पे -K -2K-1, तो ये 1/2K-1 हो गया। अगर नो सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों को रखेंगे क्योंकि ये तो इक्वल है नहीं, तो यहां से हमें k की वैल्यू मिलेगी। यहां से k की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 3k-3 हो गया और ये 2k-1 हो गया। सो k की वैल्यू 2 मिल गई, क्यों, क्योंकि ये 3k-2k इक्वल टू k और यहाँ पे -3 और प्लस का 3 यानी कि 2, तो k की वैल्यू 2 है इस इक्वेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके बारे में बात करते हैं कि इन लीनियर जो इक्वेशन दिए हुए हैं इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सभी को पता है कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को। यहाँ से सबसे पहले एक्स की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर से। देखिए अगर आप एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3x+2y=4। तो अगर आप एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये होगा 4-2y, तो x की वैल्यू हो गई 4-2y/3। सो ये आ गई हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, अगर हमने सेकेंड वाले इक्वेशन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के अंदर हमें वैल्यूज पुट करना होगा। फर्स्ट वाले वैल्यूज के अंदर अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें वहां से वैल्यूज मिलेगी y की। देखिए कैसे मिलने वाली है। अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू दी हुई है ना इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट कर दिया। जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास 8-4-2y, ये जो हमारे वैल्यू थी एक्स की उसको पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ से 8 4 जा 32 माइनस का 2y यानी कि 16y और ये प्लस का 3 5 जा 15 और 9 3 जा 27, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। इस तरीके से इक्वेशन आ गई। तो वाई की वैल्यू जो आई है हमारे पास ये आ गई 5 आ गई, राइट। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे जो हमने सब्सटीट्यूट किया था उसके अंदर या इक्वेशन सेकंड के अंदर भी पुट करेंगे तो भी हमें x की वैल्यू -2 मिलेगी, राइट। x की वैल्यू मिल गई आपको -2, ये कैसे मिली, देखिए 4-10 करेंगे तो माइनस का 6 होगा, माइनस का 6 में 3 को डिवाइड कर देंगे तो -2 आएगा, राइट। अब x माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टू वाई इक्वल टू 5, यही तो हमारा आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में अब हम इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज करने वाले हैं। तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपने देखा B1C2-B2C1 वाली वैल्यूज में हमने पुट करी, यहाँ पे भी C1A2-C2A1 में पुट करी, यहाँ पे A1B2-A2B1 में पुट करी वैल्यूज कंप्लीटली। यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट करी, यहाँ से A2 की, यहाँ से B की, यहाँ से B2 की, यहाँ पे C1 की, यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट किया, एक्स की वैल्यू -2 आई और y/5 आया यहाँ पे इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और वाई की वैल्यू 5। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्वेश्चन को करें या एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, बिल्कुल सेम। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना होगा। लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं और हमें देखना है कि अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एल्जेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, जो हॉस्टल का मंथली चार्ज है वो फिक्स्ड है और जो रिमेनिंग है वो डिपेंड करता है कि कितना फूड आप ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो फूड लेता है 20 डेज, सी एस पे 1000, उसने 1000 पे करे हॉस्टल चार्जेस और वहीं पे जो बेस्ट स्टूडेंट है उसने 26 डेज तक लिए और 1180 रुपीज पे करे एज ए हॉस्टल चार्ज। हमें फिक्स चार्ज बताना है और ये बताना है कि कॉस्ट पर फूड क्या है पर डे के बेसिस पे। देखिए एक चीज बहुत क्लियरली इस क्वेश्चन से हमें समझ में आ रही है कि जो चार्ज हमारा फिक्स्ड है उसको हमने एक्स मान लिया, जो चार्ज फिक्स नहीं है जैसे कि फूड पर डे के हिसाब से कितना है उसको हमने वाई मान लिया। तो लेट एक्स टू बी अ फिक्स चार्ज एंड फॉर द फूड एंड वाई
बी द चार्ज ऑफ फूड पर डे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम लिख लेंगे कि यार जो फिक्स्ड है वो तो रहेगा ही, आपने 20 डेज लिए, आपने 1000 पे करे। अब इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी, आपने 26 डेज लिए, फिक्स चार्जेस तो रहेगा ही, ये 2 हो गया। इन दोनों ही इक्वेशन को अब आपको करना है सॉल्व। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना, आप माइनस करेंगे तो ये माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको -का 6y, राइट। और इसको अगर आप माइनस करते हैं तो ये मिल जाएगा -का 180, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू हो जाएगी 180/6, यानी कि 30। वाई की वैल्यू आ गई 30, यानी कि वाई हमने किसको माना था, फूड पर डे, वो 30 रुपीज लग रहा पर डे का। और जो फिक्स चार्ज है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे, या इक्वेशन नंबर सेकंड में जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं। देखिए अब ये जो वैल्यूज थी, यहां से हमें वाई की वैल्यू 30 मिल गई। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 400। यानी कि जो 400 का चार्ज है वो फिक्स्ड है, और पर डे बेसिस पे जो आप ले रहे हैं पर डे का जो चार्ज है वो 30 रुपीज है, फिक्स चार्ज है 400। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। देखिए सेकंड क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि दिया हुआ है कि एक फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है, कब, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में 1, और अगर हम 8 को 8 कर देते हैं तो 1/4 बन जाता है। अगर हम 8 को 8 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है। अब इसी चीज को हमें करना है सॉल्व, इसी चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन ध्यान से कि क्या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। अब जो फ्रैक्शन है उसको हमने ये मान लिया कि जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है वो फ्रैक्शन हमारा एक्स अपॉन वाई के टर्म में दिया हुआ है। अगर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1/3 बन रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे सॉल्व करें तो ये 3x-y, 3x-3 इक्वल टू वाई। अब वाई को इस तरफ लाएंगे तो 3x-y इक्वल टू 3 एक इक्वेशन बनेगी। सेकंड में ये बोला जा रहा है कि अगर आप 8 करते हैं उसके डिनोमिनेटर में तो ये 1/4 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4x, और ये हो जाएगा y+8, 4x-y इक्वल टू 8 होगा। अब एक चीज आपको यहां पे समझनी होगी कि सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 मिलेगी, और एक्स की वैल्यू 5 को अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो 12 मिलेगा हमें, राइट। अब 5/12 जो होगा हमारा फ्रैक्शन होगा, 5/12 जो हमारा फ्रैक्शन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं। जो यश है उसने 40 मार्क्स एक टेस्ट के अंदर गेन किए हैं, 3 मार्क्स मिले हैं उसको राइट आंसर्स के लिए और 1 मार्क्स मिल रहे हैं उसको रॉन्ग आंसर्स के लिए, -1 लूज कर रहा है। उसको 4 मार्क्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर, फोर करेक्ट आंसर के लिए 4 मिल रहे हैं, और एंड 2 मार्क्स में डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, 2 मार्क्स गलत आंसर्स पे काट लिए जाते हैं। तो उसने यश ने 50 जो स्कोर्स हैं वो करे हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस वह टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस। तो हम ये मान लेते हैं कि जो राइट आंसर्स हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं, जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको हम वाई मान लेते हैं। अगर टोटल क्वेश्चन के बारे में अगर आपको पता करना है तो x+y कर देंगे, टोटल पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है कि उसने क्या किया हुआ है, 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको राइट आंसर्स के, हर राइट आंसर्स के 3 मार्क्स, एंड 1 मार्क्स मिल रहे हैं उसको किसके, लूज करने के, तो -y या 1y लिखें, इक्वल टू उसको मिले हैं 40, राइट। लेकिन दूसरी ही टेस्ट जब दूसरी कंडीशन दी हुई है उसमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको राइट आंसर्स के, 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं उसके रॉन्ग आंसर्स के, राइट। जब उसे 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं तो देखिए यहां पे हमने एक चीज करी इस क्वेश्चन में, जो चीजें हमें यहां पे दी हुई थी उसको हमने 4x-2y इक्वल टू 50 रखा। अब जो 4x-2y इक्वल टू 50 दिया हुआ है इस क्वेश्चन को हमने किया है सॉल्व, राइट। और यहां से
अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखिए क्या आने वाला है यहाँ पे। ध्यान से देखिए आप कि किस तरीके से इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे 3x - y = 40, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है दूसरी कंडीशन में 4x - 2y = 50, राइट। अब एक चीज़ आपको समझना ये है कि अगर इस इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6x - 2y = 80। इसमें किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, -2y = 50, राइट। सो अब होगा क्या, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, सॉरी ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। 6x में से 4x को माइनस करेंगे तो 2x होगा इक्वल टू, ये हो गया 30। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई हमारे पास। x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आई है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू आई है वो 15 आई है, राइट। जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया इस इक्वेशन में, x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब x की वैल्यू 15 आ गई है तो हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो x, y की वैल्यू 5 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि राइट आंसर्स के लिए जो मार्क्स हमें मिल रहे हैं वो 15 मिल रहे हैं, और रॉन्ग आंसर्स के लिए हमें जो मिल रहा है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं 5। राइट आंसर्स हैं 15, रॉन्ग आंसर्स हैं 5, टोटल अगर पूछा जाए तो 20 है x + y, राइट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, और इसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से आप समझिए इस चीज़ को कि किस तरीके की चीज़ें दी हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ए से बी जो दिया हुआ है डिस्टेंस वो 100 किलोमीटर दिया हुआ है। अब एक कार स्टार्ट होती है ए से, और फ्रॉम कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, एक दूसरी बी से स्टार्ट होती है, सेम टाइम पे सेम डायरेक्शंस में दोनों ही कारें जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में दोनों ही कारें जा रही हैं। देखिए समझिए इस चीज़ को कि यहाँ से क्या हो रहा है कि ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, ये है ई, ये ए और ये है बी। यहाँ से कार स्टार्ट हो रही है और फिर एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दोनों ही सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं। अब हमें जब सेम डायरेक्शन में जा रही है, इफ कार ट्रेवल्स द सेम डायरेक्शन इन डिफरेंट स्पीड, लेकिन इनकी स्पीड अलग है, स्पीड डिफरेंट है, लेकिन 5 आवर्स बाद क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे जा करके, चाहे वो ए वाली जा रही हो चाहे वो बी वाली जा रही हो, एक पॉइंट पे जा करके दोनों मिल रहे हैं। कब, 5 आवर्स के बाद। तो हमें बताना ये है कि दे मीट इन 1 आवर, व्हाट द स्पीड ऑफ कार। अगर 1 घंटे बाद की बात करें, ये तो 5 घंटे पॉइंट्स पे जाके दोनों बिल्कुल एक सेम डायरेक्शंस में हमें मिल रही हैं, एक तो हमें बताना है कि 1 घंटे बाद उनकी स्पीड क्या होगी उन दोनों कारों की। देखिए चीजें बहुत सिंपल है, बस एक बार समझने की कोशिश करिए, काफी इजी क्वेश्चन है ये। हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि जो फर्स्ट कार है उसके लिए यू किलोमीटर, और जो सेकंड कार है उसका वी किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दी हुई है। अगर वो सेम डायरेक्शंस में जा रही हैं तो U - V किलोमीटर होगा उसका ट्रैवलिंग, U - V होगा, करेक्ट। अगर U - V है तो अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती तो हम प्लस करते हैं, राइट, U+V, और ये हो गया। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या मिला, हमें देखने को मिल रहा है कि जो 5 है, 5 5 यहाँ पे दिया हुआ 5 U - V इक्वल टू 100। अब ये कैसे आया 5 U - V इक्वल टू 100, देखिए अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है ध्यान से तो 5 घंटे बाद जो मिल रही है और हाईवे पे जो किलोमीटर है वो 100 है टोटल, तो ये हमने यहाँ पे U - V इक्वल टू 20 आ गया। अब यहां से अगर हम देखें सेकंड क्वेश्चन में तो 1 घंटे बाद दोनों जो मिलेंगे वो टोटल तो 100 ही है इनका, लेकिन 1 घंटे बाद अगर देखा जाए दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो यू की वैल्यू आएगी 60 किलोमीटर, और इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो वी की वैल्यू आएगी 40 किलोमीटर। यानी कि देखिए हो क्या रहा है, इसको प्रैक्टिकल समझिए। ये है आपका पॉइंट ए, ये है आपका पॉइंट बी। अब जो फर्स्ट कार है वो 60 किलोमीटर पर स्पीड से चल रही है, ये जो चल रही है वो 40 किलोमीटर पर चल रही है। 1 घंटे बाद इन्होंने 40 60 किलोमीटर की दूरी तय करी, इन्होंने कितनी करी 40 किलोमीटर की। दूसरे घंटे में उन्होंने 120 दूरी तय कर दी, और इन्होंने कितनी दूरी तय कर दी, इन्होंने 80 दूरी तय कर दी।
इस तरीके से तीसरे में उन्होंने कितनी कर दी, 180 कर दी, और इन्होंने कितनी कर दी, 120 कर दी। चौथे में उन्होंने कितनी कर दी, 24 कर दी, 240। और यहाँ पे उन्होंने कितनी कर दी, यहाँ पे उन्होंने कर दी 160। पांचवे में उन्होंने कितनी कर दी, जहाँ पे अगर पांचवे की बात करें, इन्होंने 200 कर दी, और इन्होंने कितनी कर दी, 300 कर दी। राइट, देखिए 120, यहाँ पे देखिए 1 घंटे बाद वो क्या होगा, 1 घंटे बाद वो 60 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके होंगे। राइट, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर का आ रहा है, जब वो 5 घंटे बाद देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में यही तो दिया हुआ है, हमें यही चीज़ तो दी जा रही है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जो स्पीड होगी कार की एक 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी कार की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। राइट, और इस हिसाब से जब देखेंगे तो यहाँ पे फिर 5 घंटे बाद उस इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइड हो रहेंगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा फिफ्थ है उसके बारे में बात करते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से एक बार देखिए जरा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई हैं जिसमें देख करके आप इजीली समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो लेंथ है वो रिड्यूस हो रही है 5 यूनिट, ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 3 यूनिट। अब यदि इंक्रीज किया जाए लेंथ को 3 यूनिट, 3 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज किया जाए, तो जो उनका एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट होता है, इंक्रीज हो जाता है। हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। हम ये मान लेते हैं कि लेंथ एक्स है और जो ब्रेथ है वो वाई यूनिट दिया हुआ है, एरिया एक्स इंटू वाई होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स अगर इसमें 5 कम कर दिया जाए उसकी लेंथ में और +3 बढ़ा दिया जाए, तो जो उसका एरिया है यानी कि एक्स माइनस जो वाई है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन कहता है, इसको सॉल्व करने पे हमें ये इक्वेशन मिली। सेकेंड इक्वेशन में बोल रहा है कि अगर 3 बढ़ा दिया जाए लेंथ में और ब्रेथ में 2 बढ़ा दिया जाए, तो जो उसका एरिया है वो 67 इंक्रीज हो जाता है। ये इक्वल टू 67 नहीं है, वो इंक्रीज हो रहा है, 67 प्लस है वो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। पहले तो हमें इक्वेशन मिली एक 3x-5y-6, 3x-5y-6 ये इक्वेशन हमें मिली, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों ही इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, एक्स इक्वल टू जाएगा 17, क्योंकि 19 में डिवाइड कर देंगे 323 को। देखो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, B1C2 यहाँ पे माइनस B2C1 फिर इक्वल टू वाई अपॉन C1A2 माइनस C2A1 फिर इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। यहाँ से A1 ये वैल्यू पुट कर दी हमने कम्प्लीटली यहाँ पे। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमें हमारे पास क्या दिया हुआ, हमारे पास दिया हुआ एक्स अपॉन 323 इक्वल टू 1 अपॉन 19। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स इक्वल टू 323 अपॉन 19, यानी कि ये हो गया 17। इसी तरीके से वाई की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो 171 अपॉन 19, यानी कि ये हो गया 9। राइट, इस तरीके से एक्स की वैल्यू 17 होगी और वाई की वैल्यू 19 होगी। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें कि ये डायमेंशन होंगे लेंथ और ब्रेथ यही होंगी। राइट, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेंथ है वो होगी हमारी 17 यूनिट और जो ब्रेथ है वो हमारी 7 यूनिट है। उम्मीद करता हूँ कि जो एक्सरसाइज और 3.5 के क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में हमने समझा, उसको सॉल्व किया। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके कोई डाउट्स रह गए हैं, हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इजीली जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द इस पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।